दोस्तों आज एक और नो पिक्चर का फॉल्ट मैं लेके आया हूँ KDL-46EX503 मॉडल में। आप देख सकते हैं अभी हम पावर दे रहे हैं, इंडिकेटर लाइट की सिचुएशन है, ऑन है ये ग्रीन लाइट मीन्स ऑन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर नहीं बन रही है। LVDS केबल हमने कनेक्ट कर रखा है, पैनल ID हमने लगा रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं, उसका कनेक्शन प्रॉपर कर रखा है, पिक्चर नहीं बन रही है। हमने डायोड टेस्ट ले लिया है, सभी जो डायोड टेस्ट की रीडिंग है वो ओके है, लेकिन यहाँ पर पिक्चर नहीं बन रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, पैनल आईडी के कनेक्शंस को निकालेंगे, पहले प्रोसेसर को निकाल के रीबॉल करके लगाएंगे और इसके ओम्स चेक करेंगे। हम मशीन पर रखकर प्रोसेसर को निकालेंगे, तब तक मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अहमदाबाद में 1 दिसंबर को मेरी ट्रेनिंग है, 5 डेज वर्कशॉप है, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक रहेगी इस साल दिसंबर में, 3 दिन की मेरी कोलकाता की ट्रेनिंग, ठीक है, 20-21-22 फरवरी 2026, मतलब अगले साल 20-21-22 फरवरी को है। सीट बुक करने के लिए ये दोनों नंबर है 9601991652, दूसरा नंबर है 9724584872। आप सीट बुक करके कोलकाता की ट्रेनिंग ले सकते हैं, अगर जो कोलकाता के आसपास हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास। 5 डेज वर्कशॉप 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रही है, 1st-5th दिसंबर, फ़ोन करके जल्दी से अपनी सीट रजिस्टर कर लीजिए। कोलकाता की ट्रेनिंग में हम मशीन की पूरी प्रोफाइल बताएंगे आपको कि कौन सी सेटिंग हमें रखनी चाहिए, कब किस हिसाब से रहती है वो सब सेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने जो सेटिंग रखी है Magic S2, ये प्रोफाइल मैंने कैसे बनाई, ये सब कुछ कोलकाता की ट्रेनिंग में हम बताएंगे आपको। मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे वैक्यूम की तैयारी कर लेते हैं हम, क्योंकि मशीन कभी भी बजर बजा सकती है। अभी हमें तैयार रहना है, मेल्टेड बॉल्स होने के बाद IC को हम आराम से वैक्यूम से पिकअप कर सकते हैं। 1, 2, IC को हमने उठा लिया है। तो अभी हम इस प्रोसेसर की रीबॉलिंग करने वाले हैं। हमने रिबॉलिंग कर दिए जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी बॉल्स एकदम सुपर हैं। सो अभी हम प्रोसेसर को फिर से बोर्ड पर लगा लेते हैं और फिर पिक्चर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1920x1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन तो हमें शो कर रहा है और इंडिकेटर लाइट की पोजीशन है ग्रीन, लेकिन यहाँ पिक्चर नहीं बन रही ऐसा दिख रहा है। लेकिन हम देख लेते हैं इसके ओरिजिनल पैनल पे क्या हाल है इसका। बोर्ड तो हमने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं बैक लाइट जल रही है, और ऑन करने पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ पट्टे जैसे आ रहे हैं, लेकिन पिक्चर आ चुकी है। इसमें जो प्रॉब्लम थी कि नो इंडिकेटर की, वो तो हमने सॉल्व कर दी है प्रोसेसर की रिवॉल्विंग करके लगाने से यहाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकला है, इसमें पिक्चर तब आ पा रही है जब हमने टिक ऑन, ऑन, बैकलाइट ऑन और पावर ऑन सभी को मदरबोर्ड से 3.3 वोल्ट देखकर फोर्सफुली चालू किया है, तब पिक्चर आ रही है। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हम टिक ऑन प्रोसेसर को निकाल कर इसकी रिवॉल्व करके दोबारा लगाएंगे। अभी हम रिवॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, आप देख सकते हैं ये है प्रोसेसर जिसकी अभी हमें रिवॉल्विंग स्टार्ट करनी है। एकदम क्लीन कर लिए हैं सारे बॉल्स जो थे इसके ऊपर, अभी शोल्डर पेस्ट लगा के इस पर बॉल्स बनाएंगे।
टेकऑन पे हमने ये प्रोसेसर को रिबॉल करके तो लगा लिया है, चारों तरफ से परफेक्ट ही लगी है। चेक कर लेते हैं इसमें, अब पिक्चर बननी चाहिए इतनी खेती करने के बाद। जो अभी हमने रिपेयर किया था वो प्रोसेसर ये है, रिबॉल करके डाली थी आपने देखा था, ठीक है। यहाँ पे एक और दिक्कत है, प्रोसेसर से आने वाले टिकॉन ऑन वोल्टेज यहाँ नहीं पहुँच रहे, तो हमने 3.3 वोल्ट की इस लाइन को दे दिया है ताकि टिकॉन पे 12 वोल्ट पहुँच जाए। उसके लिए ऑन ऑफ स्विच है ये, तो वो जो प्रोसेसर से नहीं आ रही थी वो हमने डायरेक्ट कर दिया है। एरर पिन को अभी ग्राउंड किया है, ये हम निकाल देंगे बिकॉज अभी क्योंकि हमने बैकलाइट कनेक्ट नहीं की है इसलिए एरर में जाएगा तो पिक्चर नहीं बनेगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली पिन को ग्राउंड करके अभी रखते हैं आपको दिखाने के लिए कि अभी सभी कुछ सही हो गया है। ये हमने बैकलाइट और दोनों चालू कर दिया है, अब चेक कर लेते हैं क्या हमारी पिक्चर बन रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है, इसे ओरिजिनल पैनल पर फिट करके चेक कर लेते हैं। तो अभी हम पैनल को वापस इसकी असेंबली में फिट कर रहे हैं। हम इसकी फ्रंट असेंबली को फिक्स कर देंगे। इसमें ध्यान रखा हमने ये है कि इसकी पैनल कहीं से भी बाहर ना हो। इसकी फाइनल असेंबली करने जा रहे हैं, पहले हमको टिकॉन फिट कर दो। अभी हम FFC केबल को लगा लेते हैं। हमें लगा था छोटी पड़ेगी बिकॉज हमने कट की है FFC केबल को, ये छोटी नहीं पड़ी है। अभी इसके ओरिजिनल के साथ हम फिट करके एक बार पिक्चर चेक करेंगे। देख सकते हैं पिक्चर आ चुकी है, इसमें कुछ लाइनें हैं, ये एक्चुअली सोर्स ऑफ की है, उसे तो ठीक नहीं कर सकते, बॉन्डिंग में जाके ही रिपेयर होगी ये, मतलब नो पिक्चर की प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दिया। ओके, अभी हम इसकी पूरी फिटिंग करके आपको बता देते हैं। अपना दादा का बैग जरा देरी से खुलता है ना, इसके लिए पैसा निकालने को टाइम लग गया। तुम्हारा भी शादी करवा दूं?